तो हे गाइस, हमें राजा आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ईटीसी वर्ल्ड में। अभी अभी अगर आप इंटर पास किए हैं तो बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन से कब से शुरू होगा, और शुरू अगर होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना पैसा लगेगा ऑनलाइन करने में, प्लस एडमिशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना पैसा लगेगा। जो लोग भी इंटर यानी कि IA ISC ICOM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो नहीं समझ पाएगा कि कब होगा आपका एडमिशन और कब किस डेट में एडमिशन के लिए डेट आएगा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लास्ट में देखिए, हम आप इस वीडियो में क्लियर करके बताएंगे कि IA ICOM ISC का एडमिशन कब से होगा और किस डेट में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा करने के लिए। यानी कि आपको पता ही है कि आप बिहार बोर्ड में अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन हो गया है। आपको पहले ऑनलाइन करना होगा, आपके मार्क्स बेसिस पे आपका एडमिशन होता है कॉलेज होता है, क्योंकि अब आप अपने मन से खुद के मन से अपने मन से नहीं ले सकते हैं कहीं भी एडमिशन। आपके मार्क्स यानी कि जो आपका नंबर आया है, प्राप्तांक जो आया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका कोई भी कॉलेज दिया जाएगा। उसमें जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें आपको कॉलेज चॉइस करने का ऑप्शन आएगा, आप उसमें चॉइस कीजिएगा, आपको सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आएगा, उसमें चॉइस किया जाता है। तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू होगी हम आप इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल करने को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं किसी भी जानकारी अगर आपको हर टाइम हर वक्त मिलता रहे तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखने वीडियो को लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से थोड़ा सा मैं मोटिवेट होता हूँ। चलो भाई, आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए लेके चलते हैं आपको और बताते हैं कब से होगा। देखिए, कुछ इस तरह का जो है ऑफिशियल नोटिस है, ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। इसमें अभी हम पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पहले हम वो क्लियर करते हैं। इससे इसमें जो दिया गया है सेम यही डॉक्यूमेंट आपको अगले बार भी लगेगा, यानी कि अभी जो लगेगा 2021 में। तो ये नोटिफिकेशन है, पहले हम आपको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, हम इतना आपको पढ़ के नहीं सुनाएंगे, बस आपको जो है मेन मेन पॉइंट नोटिस कर देते हैं। देखिए, आपको इसमें जो है फॉर्म भरने के टाइम में जो है आपको मेन मेन फॉर्म भरने के टाइम में आपको सबसे पहले जो रखना है मोबाइल नंबर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक नंबर है मोबाइल नंबर, दो नंबर में आपका होना चाहिए आपके पास ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों जो है एक फॉर्म में ही हो यूज होगा, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एक फॉर्म में ही यूज होगा। उसके बाद आपका रोल नंबर चाहिए, उसके बाद कोड चाहिए, रोल नंबर रोल कोड। ये दोनों जैसे डालेंगे ऑटोमेटिक आपका सारा डिटेल पुट होकर आ जाएगा, ऑटोमेटिक वो फॉर्म फिल हो जाता है। OFSS के साइड से ये फॉर्म फिल होता है, अभी हम उस साइड पर भी आपको लेके चलेंगे, तो वहाँ वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता जाएगा, तब आपको फॉर्म भरने का टाइम आपके पास जो है होना चाहिए आधार कार्ड, आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बहुत ज़रूरी का मतलब क्या है, अगर है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप बात रह गई कि क्या लगेगा, तो अब उसके बाद आपको लगेगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो वो भी ऑटो फिल हुआ आता है। कोई कोई ऐसा है जो कि ऑटो फिल होकर नहीं आता, जैसे कि CBSE बोर्ड अगर भरेगा तो उसका ऑटो फिल हुआ नहीं आता है, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से भरते हैं तो वो ऑटो फिल होकर आ जाएगा, मतलब जैसे आप रोल कॉलर में डालेंगे आपका ऑटोमेटिक ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जाति सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, जाति सेलेक्ट करना होता है, जो भी आप आते हैं BC1 BC2 BC SC ST जनरल या फिर EWS। उसके बाद आपको चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप जो है उसके सब कुछ करने के बाद, ये फॉर्म फिल हो जाने के बाद, आपको जो है कम से कम पाँच कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, कम से कम, जिसमें आप आपका जो है मन है कि हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कम से कम आपको 5 कॉलेज लेना है, और अधिक से अधिक आप जो है 20 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। 20 कॉलेज में एडमिशन नहीं, मतलब 20 कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये उसके लिए ऑप्शन है 20 कॉलेज जिसको कि कम नंबर है, जैसे कि थर्ड डिवीज़न है, तो क्योंकि अभी जो है जिसको नंबर बेसिस पे आपको पता है कि एडमिशन होता है, तो इसी कारण जो है अगर आपका कम नंबर होगा, अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप अधिक से अधिक कॉलेज सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जो कि आपके एरिया में होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। लेकिन जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है, लगता है फर्स्ट डिवीज़न है, वो 5 कॉलेज अगर सेलेक्ट करता है तो उसका जो फर्स्ट चॉइस रहेगा उसमें उम्मीद है कि उसका हो जाए। तो ये तो था आपको मैंने बता दिया, ये कुछ नोटिफिकेशन है, इसी तरह का नोटिफिकेशन आएगा जब इस बार भी आएगा, तो जैसा ही आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऑफिशियल नोटिस है 2020-22 का, देख सकते हैं यहाँ पे 2020-22 लिखा हुआ है, हम आपको क्लियर कर रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं, चलिए कि अब जो है 2021 का एडमिशन कब होगा। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि अगर आप इसमें जाति वाइज जो है छूट भी मिलता है, आप क्या क्या छूट मिलता है मैं बता देता हूँ। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको उसमें छूट देखने को मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 16% छूट मिलेगा, अनुसूचित जनजाति से तो आपको 1% मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 18% मिलेगा, और अगर आप पिछड़ा वर्ग है तो 12% मिलेगा, और अगर आप पिछड़ा वर्ग की महिला है तो 3%, या फिर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा उसको 10%, यानी कि इसको हम EWS भी बोल सकते हैं इस लोगों को। ये भी क्योंकि देखिए कैटेगरीज वाइज ये एडमिशन होता है, क्योंकि इसके अब जो जितना भी कॉलेज है पूरे बिहार में 10+2 के लिए जितना भी कॉलेज है सब में अब जो है सीट लिमिट है,
कि आईए का यानी कि इंटर का, आर्ट्स का सीट लिमिट है, साइंस का सीट लिमिट है और कॉमर्स का सीट लिमिट है, तो उसी के रेंज में यानी कि आपके नंबर बेसिस पे उठाएगा और उसमें छूट दे के आपका एडमिशन लेगा। चलिए आप बताते हैं आपको कि कब से कब एडमिशन होगा, लेकिन वीडियो को देखने, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको हम लेके चलते हैं आप साइट पे, जहाँ पे आपको दिखाते हैं कब तक एडमिशन होने का उम्मीद है। अब देखिए हम आ चुके हैं अपने फोन के ब्राउजर पे, आपको भी आ जाना है। आने के बाद आप कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, आपको यहाँ पे टाइप करना है गूगल में बिहार बोर्ड लिखना है, आपका 11th में एडमिशन होगा, 11th एडमिशन 2021 लिखना है। जैसे ही आप लिखेंगे आपको सबसे टॉप पे ऊपर पे देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे कि देखिए लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट फॉर बिहार OFSS इंटरमीडिएट 11th एडमिशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट दिया हुआ है, देखिए अब दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड स्टार्टेड, यानी कि स्टार्ट जो डेट होगा वो जुलाई 2021 में स्टार्ट हो जाएगा। फिर दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सबमिट लास्ट डेट, यानी कि इसका जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का 11th में जो अप्लाई कीजिएगा आप इंटर यानी कि आर्ट्स के लिए साइंस के लिए या फिर कॉमर्स के लिए, उन लोगों के लिए ये जो है 20 यानी कि जुलाई में 2021 से शुरू हो जाएगा, जुलाई में 20 में। अब डेट क्या है उसका आपको वेट करना होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे, आपको एक अनुमानित हम बता रहे हैं। फिर आपको लास्ट डेट जुलाई में ही खत्म हो जाएगा, और इसका जो है आप जो एडिट करने का, जैसे सपोज कर लीजिए कोई फॉर्म फिल करते हैं कोई जगह मिस्टेक हो गया तो आपको एडिट करने का भी मौका दिया जाएगा, जो कि जुलाई में ही दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आगे, अब इसका जो मेरिट, आपको पता ही है कि आपके नंबर बेसिस पे मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, वो सितंबर में आपका जो है डिक्लेयर करेगा, उसके बाद आप एडमिशन ले पाएंगे। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आएगा आपको एक एप्लीकेशन 2 पेज का डाउनलोड होता है, आपको वो लेकर जाना है कॉलेज, वहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे जो भी, जैसे कि आपका मेट्रिक का मार्कशीट हो गया, आपके पास एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी बहुत मोस्ट है क्योंकि हर कॉलेज में लगता है, वो लेकर जाना है और आपको वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप 11th में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आप आगे की तैयारी करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह से का अपडेट मिलता रहे, फिर आप 11th में जाएंगे तो फिर 12th में जाएंगे, अगर आपको स्कॉलरशिप या फिर से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक अनुमानित डेट बताया है कि इस डेट तक मैं आ सकता है, मैंने कन्फर्म नहीं बताया ना कोई मैंने फर्जी वीडियो बनाया है। चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लिया, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया, इस तरह के अपडेट के लिए मिलते हैं। लव यू।